पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि गांधी और गोडसे की विचारधारा का मिलाप नहीं हो सकता। यह देश गांधी की विचारधारा से चलाया जाता है, गांधी की विचारधारा से ही सरकार बनी है और आगे भी बनेगी। देश में दो विचारधाराएं, गांधी और एक गोडसे। गोडसे का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करना और फिर गांधी की विचारधारा से मिल जाना मुझे उचित नहीं लगता। अरुण यादव ने कहा कि मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा है और हम गांधी की विचारधारा पर ही काम करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और इस देश की आजादी में गांधी की विचारधारा पे हमने लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। आज उसी गांधीवादी विचारधारा जो कांग्रेस का मूल मंत्र है, जो देश का मूल मंत्र है, और यही विचारधारा ने देश में सरकारें बनाई और आगे भी यही विचारधारा देश में चलने वाली। सत्य अहिंसा का मार्ग जो गांधी जी ने अपनाया था उसी में देश आगे चले। दो विचारधाराएं देश में काम करती साथियों, एक गांधी की विचारधारा है और एक गोडसे की विचारधारा है। गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है। और इसीलिए जो मुझे उचित लगा मैंने वो कहा। हम गांधी जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और गोडसे की विचारधारा में हम सम्मिलित नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।